शहरों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने के लिए काफी है। अब झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज के दिलदार अंसारी ने पत्नी रूपी का पहाड़ के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। सही सुना आपने, हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े घर पर छिपा दिए गए तो कुछ टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंके गए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्ते को इंसान का मांस खाते देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और अब तक पुलिस को 14 से ज्यादा टुकड़े मिल गए हैं। सर के साथ दूसरे अंगों की तलाश पुलिस हालांकि अभी तक कर रही है। रेबिका का सर अब तक नहीं मिला है। 22 साल की रेबिका पहाड़िया जनजातीय से थी। रेबिका साहिबगंज डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। दोनों ने एक महीने पहले ही लव मैरिज की। ये उस दरिंदे दिलदार की दूसरी शादी थी। पहली शादी से उसे एक बच्चा भी है। रेबिका और दिलदार के परिवार वालों को ये शादी मंजूर ही नहीं थी। इसी बीच झारखंड के साहिबगंज में रेबिका हत्याकांड मामले में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी सड़क से सदन तक इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। कातिलों ने रेबिका की हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के इरादे से शव को कई टुकड़ों में काट दिया और फिर जंगल में फेंक दिया। इधर इस मामले को लेकर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती देर शाम पुलिस ने रेबिका हत्याकांड में अब तक 10 लोगों की भूमिका सामने आ चुकी है। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरैया थाना क्षेत्र में भी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा अपराध किया गया, जहां प्रेमी दिलदार अंसारी ने 25 साल की रेबिका पहाड़े नामक महिला की हत्या करने के बाद शव को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया। दोनों के कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आरोपी दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी के घर से हत्या में प्रयुक्त दो धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए।